हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं 9 मई के इनसाइट के करंट अफेयर्स। विजन वाले हम लोगों ने कर लिए हैं और कुछ टॉपिक्स कॉमन हैं, जैसे स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स हो गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक हो गया, और जैसे वंदे भारत मिशन तो कई दिनों से चल ही रहा है। बाकी ये टाइगर पॉपुलेशन जो था ये पहले आ चुका है विजन वाले में एक बारी, बट स्टिल हम लोग सारे के सारे करेंगे। अगर आपने कर लिया फिर भी आप इसे सुनना ज़रूर, ताकि आपका रिविजन हो जाए। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स कम टू द डिस्कशन। ओके, स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्रिएट किया है ये देखने के लिए कि COVID-19 का जो पैंडमिक है उसको लेकर कौन सी कंट्री ने कितने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं, कितने सख्त कानून लगाए हैं, इन्फोर्स किए हैं, ताकि इसके स्प्रेड को रोका जा सके। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया ने अब तक के सबसे स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं और सबसे पहले मतलब काफ़ी जल्दी भी ले लिए थे, सबसे पहले तो नहीं लेकिन काफ़ी जल्दी भी ले लिए थे। इसलिए हमारे इंडिया में अभी आज की डेट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अप्रॉक्स 60,000 के अराउंड केसेस हैं एंड समथिंग अराउंड 1100 समथिंग डेथ्स हुई हैं सिर्फ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा ग्राफ है हमारे लिए। हालांकि लुकिंग एट द साइज ऑफ आवर कंट्री, अगर हम लोग ये सब मेजर्स टाइम पे नहीं लेते तो हमारी कंट्री शायद सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है अब तक की। तो ये जो स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स है ना, इस पे 0 से 100 तक के इंडिकेटर्स होते हैं और एक हाई स्कोर का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ स्ट्रिंजेंसी। स्ट्रिंजेंसी मतलब कितना स्ट्रिक्ट मेजर है। इन मैट्रिक्स के अंदर ऑक्सफोर्ड ने के जो COVID-19 गवर्नमेंट रेस्पॉन्स ट्रैकर है ना उसको यूज़ किया गया है। ये ट्रैकर के अंदर एक टीम है 100 ऑक्सफोर्ड कम्युनिटी मेंबर्स की, जो कि कॉन्टिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं डेटाबेस के अंदर 17 इंडिकेटर्स गवर्नमेंट के रेस्पॉन्स के। ये जो इंडिकेटर्स हैं ना, ये कंटेनमेंट की पॉलिसीज़ को एग्जामिन करते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, बंद है, खुले हैं, वर्क प्लेसेस खुले हैं, बंद है, पब्लिक इवेंट्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, नहीं हो रहा है, स्टे एट होम की पॉलिसीज़ क्या कुछ हैं, इन सबको मेजर करते हैं। तो अब ये पूरे का पूरा जो रिपोर्ट है वो इंडिया के बारे में क्या कहती है। देखो ये बोलती है कि इंडिया ने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉकडाउन लगाए थे और अर्ली फेज पर लगा लिए थे। इंडिया हैड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉकडाउन मेजर्स इन द वर्ल्ड एट ए 100 स्कोर सिंस मार्च 2022। तो हम लोगों ने एकदम टू द पॉइंट लॉकडाउन लगाया था। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये नहीं किया था कि कहीं पर कुछ खुला छोड़ दे, कहीं कहीं लगा दे, हम लोगों ने कंप्लीट सिट कंट्री लॉकडाउन किया था। इसको 20 अप्रैल के बाद हम लोगों ने स्लाइटली रिलैक्स भी किया था, जब गवर्नमेंट ने कुछ थोड़े से नॉर्म्स होते उनको ईज़ किया था रेड जोन्स वगैरह के अलावा। बाकी कंट्रीज़ के कंपेरिजन में देखें तो उन कंट्रीज़ के अंदर हायर केसेस हैं और इंडिया का जो लॉकडाउन है ना वो बहुत जल्दी लगा लिया गया था, इसलिए हमारा जो डेथ कर्व है वो भी बहुत नीचे है। देर आर 18 अदर कंट्रीज जिनके पास 500 से ज़्यादा केसेस हैं और दे आर कॉल्ड द स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन, वाइल इंडिया हैड 320। जब लॉकडाउन अगर लग रहे थे जिस स्टेज पर लगे जिन भी कंट्रीज़ में, उस टाइम में हर कंट्री में लगभग 500 केसेस जा चुके थे। इंडिया ने उस टाइम लगा दिया था जब इंडिया के 320 केसेस थे। अगेन दोबारा इंडिया के पास सिर्फ 4 डेथ हुई थी 22 मार्च तक, जबकि इसका स्कोर जो है वो 100 पे पहुंच गया था। वाइल मोस्ट कंट्रीज हैड मोर डेथ्स एट दैट पॉइंट एक्सेप्ट स्विट्जरलैंड, उस पर कोई डेथ भी नहीं हुई थी। इसके लिए ग्राफ के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसमें इतना कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये थोड़ा हम देख लेते हैं नॉलेज के लिए। डेथ कर्व में और स्ट्रिंजेंसी स्कोर में रिलेशन क्या होता है। देखो ऑक्सफोर्ड प्रोवाइड करता है एक ओवरले कंट्रीज़ के डेथ कर्व का और उसके स्ट्रिंजेंसी स्कोर का। कुछ कंट्रीज़ ने अपनी जो डेथ्स है ना उनको फ्लैटन होना स्टार्टिंग में देख लिया था और उनका जो हाईएस्ट पहुंचा था स्ट्रिंजेंसी के कारण, जैसे इटली हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इनमें अभी भी केसेस बहुत ज़्यादा हैं और डेथ का जो कर्व है बहुत ऊपर है। कुछ कंट्रीज जैसे यूके, यूएस और इंडिया, ऑक्सफोर्ड ग्राफ्स फाइंड दैट द डेथ कर्व हैज़ नॉट फ्लैटन आफ्टर स्ट्रिक्टेस्ट मेजर्स वर इन्फोर्स्ड। इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स लगाने के बाद भी इनका जो डेथ ग्राफ है वो कर्व पे नीचे नहीं आया है इन कंट्रीज़ का, यूके, यूएस और इंडिया। लेकिन इटली, स्पेन और फ्रांस का जो कर्व था उनकी उनके लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए, उनके केसेस को ध्यान में रखते हुए, उसके अकॉर्डिंग उनका जो ग्राफ है वो नीचे आ गया। हाईएस्ट डेथ काउंट जो था एट द स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर्स इन कंट्रीज में कंपेयर्ड वर फ्रांस में, इटली में, ईरान, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड, स्वीडन, मैक्सिको, कनाडा, बेल्जियम, आयरलैंड, यूएस, टर्की, चाइना, इजराइल, चाइना, इंडिया, स्विट्जरलैंड, इस तरीके से था एक सीक्वेंस।
बाकी कौन सी कंट्रीज है जिनका 100 स्कोर है? उनका 100 स्कोर है जैसे होंडुरा है, अर्जेंटीना है, जॉर्डन है, लिबिया, श्रीलंका, सर्बिया, रवांडा। इंडिया नाउ हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इन दिस सेट, यानी कि इन सब कंट्रीज़ के अंदर जिनका 100 स्कोर है, 100 स्कोर वाली कंट्री में इंडिया के सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेज हैं। बाकी अगर आप इन कंट्रीज़ को देखो तो देखो सारी की सारी बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है। WHO के रिकमेंडेशंस क्या हैं? WHO की बात करते हैं तो देखो टेड्रोस जी हैं इसके हेड अभी, और वो इथोपिया के हैं, ही इज़ अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और 1948 में फॉर्म हुआ था ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, जिनेवा में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, 194 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। ये बेसिक आपको आइडिया होना ही चाहिए। WHO के जो रिकमेंडेशंस हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग को, वो कुछ हैं कि कंट्रोल ट्रांसमिशन टू ए लेवल टू द हेल्थ केयर सिस्टम कैन मैनेज, हेल्थ केयर सिस्टम कैन डिटेक्ट एंड आइसोलेट ऑल द केसेस, मैनेज ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम का मतलब जैसे पेंडुलम होता है ना हमारा, पेंडुलम की जो मूवमेंट होती है वो ऐसे होती है, तो ये होता है टू और होता है फ्रॉम, इस टू एंड फ्रॉम मूवमेंट इसको बोलते हैं आगे पीछे आगे पीछे। तो मैनेज करना है ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम हाई रिस्क ट्रांसमिशन जोन से, कम्युनिटी एंगेजमेंट से। ये चार जो है ना ये आप नोट बना के अलग से रख लो कहीं पर, WHO की रिकमेंडेशंस। किसी भी मेंस में क्वेश्चन कहीं आता है कोविड से रिलेटेड, कहीं ना कहीं ये यूज़ किया जा सकता है, कर लोगे आप इसको यूज़। अब ऐसी कितनी कंट्रीज है जिन्होंने रिकमेंडेशंस को फॉलो किया है? इंडिया का स्कोर 0.7 है, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ताइवान और साउथ कोरिया से नीचे, बिकॉज इट स्कोर्ड 0 फॉर कंट्रोलिंग इट केसेस। इतना लॉकडाउन के बाद भी हमारे केसेस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमारा स्कोर जो थोड़ा लो है। हाईएस्ट स्कोर जो है इसमें 0.9 तक के, वो आइसलैंड, हांगकांग, क्रोशिया, त्रिनिदाद और टोबागो के हैं। ऑक्सफोर्ड ने ये भी फाउंड किया था कि कोई भी ऐसी कंट्रीज नहीं है जिसने चार मेजर्स रिकमेंडेशंस को पूरा फॉलो किया है। कुछ 20 कंट्री ऐसी जो उसके पास आसपास हैं। ओके, ये डेथ कर्व वगैरह हैं आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, क्या न्यूज़ चल रही है। जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उन्होंने क्वेश्चन किया है लीगैलिटी ऑफ द पास्ट रूलिंग ऑफ यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की कोई पास्ट की कोई रूलिंग है उसको जर्मनी के कोर्ट ने क्वेश्चन किया है कि ये ठीक है भी नहीं है। जो रूलिंग है ये पर्टेन करती है एक बॉन्ड बाइंग स्कीम थी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, उससे रिलेटेड ये रूलिंग थी। अब इशू क्या है ये जान लेते हैं, इशू क्या है फिर ये केस क्या है ये भी जानेंगे। ये जो रूलिंग है ना ये चैलेंज कर रही है उस लॉन्ग सेटल्ड हायरार्की ऑफ यूरोपियन यूनियन जुडिशरी की, एंड हैज सिंस रेजोनेटेड विद मेनी गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिशियंस इन द EU दैट आर क्रिटिकल ऑफ इट्स पॉलिसीज। EU की जो जुडिशरी की कुछ पॉलिसीज वगैरह थी ना बाकी गवर्नमेंट के साथ पॉलिटिशियंस के साथ, उसको चैलेंज करने की कुछ बात की जा रही है यहाँ पे। केस क्या है? ECB की जो मास बॉन्ड बाइंग स्कीम है जिसका नाम है कि पब्लिक सेक्टर परचेज प्रोग्राम, वो लॉन्च की गई थी यूरोजोन के 2010 क्राइसिस के बाद एज सपोर्ट फॉर द यूरो, बिसाइड्स द जो यूरो जो उसकी करेंसी है उसके सपोर्ट के लिए, और यूरो के जो नेशनल बेल आउट्स हैं ग्रीस के लिए और बाकी सब कंट्रीज़ के लिए, उसके सपोर्ट में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये जो स्कीम है चैलेंज की गई कोर्ट में, इसको पब्लिक सेक्टर परचेज प्रोग्राम बोलते हैं, मार्च 2015 में आई थी, अंडर विच ECB यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसने 2.1 ट्रिलियन के बॉन्ड्स खरीदे थे नवंबर 2019 तक, और इसके अलावा उसने कुछ 0.5 ट्रिलियन के बॉन्ड्स भी खरीदे थे। जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या बोलता है? उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल बैंक है ना इसको ऐसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदना बंद कर देना चाहिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक के लॉन्ग रनिंग स्टिमुलस स्कीम के अंदर 3 महीने के अंदर, वरना ये इसके परचेजेस को क्या ज़रूरत थी सबको प्रूव कर देगा। तो जर्मन की जो रूलिंग है वो US के एक टॉप कोर्ट की रूलिंग के अगेंस्ट में आई के आने के बाद भी आई है, और जो ECB है उसका जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम था वो कहना चाह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग ही था। ये पूरी की पूरी न्यूज़ मुझे पता है लोगों को समझ में नहीं आई होगी, ये मैं बेटर रिकमेंड ये करूँगा इसका जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया है ना वो आप पढ़ लो, ये थोड़ी सी टिपिकल है। ऐसी चीज़ों को ना कई बार क्या होता है कि समझाने से कन्वे कम होती है, एक बार आप सुन लो एक बार आप रीड कर लो देन इट फिट्स इन योर माइंड। लेकिन ये जानना हमें ज़रूरी है कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या। देखो ये कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूरोपियन यूनियन जो है ना ये यूरोप के यूनियन का सुप्रीम कोर्ट है जिसमें जनरली यूरोपियन यूनियन के जो लॉ वगैरह होते हैं उसमें होते हैं।
1952 में ये बना था ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंडर, ये लग्जमबर्ग में है, और ये इंश्योर करता है कि जो EU का जो लॉ है वो इंटरप्रेट किया जाए और अप्लाई किया जाए सारी यूरोपियन यूनियन कंट्री के अंदर, और इंश्योर करें कि जो सारी यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं उस लॉ के अबाइड करें, यानी इस कानून के हिसाब से चलें। ये लीगल डिस्प्यूट्स भी सेटल करता है नेशनल गवर्नमेंट के और EU के इंस्टीट्यूशंस के। इन टर्म्स ऑफ हायरार्की, जो नेशनल कोर्ट ऑफ मेंबर्स कंट्रीज़ हैं दे अंडरस्टूड टू बी बिलो द ECJ इन मैटर्स ऑफ EU लॉ। हायरार्की क्या मतलब, वो लोग सारी कंट्रीज इस बात को मानती हैं कि ये जो यूरोप का जो एक कोर्ट है ना ECJ, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जुडिशरी, जो है बाकी कंट्रीज अपने कोर्ट एंड लॉज को इसके थोड़ा सा नीचे कंसिडर करके चलती हैं, क्योंकि ये एक उनके यूनियन की बात हो जाती है। EU के लॉज की बात करते हैं, फॉलोइंग द एंट्रेंस इनटू फोर्स द ट्रीटी ऑफ लिस्बन ऑन 1 दिसंबर 2009, जो ECJ था उसका ऑफिशियल नेम को चेंज कर दिया गया था। पहले इसका नाम था कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन कमिटीज, फिर इसका नाम कर दिया गया था कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें कंपोजिशन क्या है ये पता होना चाहिए, कि कंपोजिशन के क्वेश्चन घुमा फिरा के प्रीलिम्स में आते हैं कन्फ्यूज करने के लिए। इसके अंदर एक जज होता है पर मेंबर स्टेट का, यानी कि हर कंट्री से एक जज होगा। करंटली 27 है, और ऑल दो इट नॉर्मली हियर्स केसेज इन पैनल्स ऑफ 3, 5 और 15 जजेस। पैनल आपको पता ही होगा, बेंच जो होती है 3 जजेस का बेंच 4 जजेस का बेंच। ऐसे प्रेजिडेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसको इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम एंड बाय द जजेस फॉर अ रिन्यूएबल टर्म ऑफ 3 साल, 3 ईयर्स के लिए उसको जज करते हैं प्रेजिडेंट जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस का। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये आपको पता होगा। देखो जब बैंक की बात करते हैं ना तो आपको जिन बैंक के बारे में पता ही होना चाहिए वो है AIIB, ADB और एक NDB। NDB जो है हमारा ब्रिक्स का बैंक है, ADB और AIIB, इन तीनों के बारे में आपको सब पता होना चाहिए, कहाँ है, किस कंपनी के, इंडिया का क्या इन्वेस्टमेंट है, इंडिया ने कितना बोरो किया हुआ, इनके अपने अपने फंड कितने होते हैं। तीन बैंक्स बहुत मेजर आ जाते हैं। रिसेंटली जो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उन्होंने 500 मिलियन का एक ग्रांट, एक प्रोजेक्ट है COVID-19 एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट, ये इनिशिएटिव किया गया था इंडिया के द्वारा, उसमें इन्होंने अप्रूव कर दिया 500 मिलियन का। पहली बार है कि AIIB ने हेल्थ केयर सेक्टर में इंडिया को इतना बड़ा अमाउंट दिया है। की फैक्टर्स क्या हैं इसके, ये जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट करेगा हमारा नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और ICMR, जो कि सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आते हैं। ये जो नया सपोर्ट है ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज को कवर करेगा, वहाँ पर जो इन्फेक्टेड पीपल हैं, एट रिस्क पॉपुलेशन है, मेडिकल इमरजेंसी पर्सनल हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, मेडिकल एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, नेशनल एनिमल हेल्थ एजेंसीज वगैरह हैं। प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट जो है स्लो और लिमिट करेगी पॉसिबल कि जो स्प्रेड है COVID-19 का ये स्लो भी हो जाए और इसको ख़त्म करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी इस बजट की हेल्प से, जैसे कि कुछ डिटेक्शन कैपेसिटीज़ वगैरह, डिजीज़ की, ऑक्सीजन के डिलीवरी सिस्टम, मेडिसिन वगैरह, इन सब पे ध्यान देने की बात की गई है। अब AIIB है क्या ये हम जान लेते हैं, ये जाना ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए। AIIB एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मिशन है कि सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स एशिया में और एशिया के बियॉन्ड भी उनको इम्प्रूव करें। 2016 से इसके ऑपरेशन स्टार्ट हो गए थे, बीजिंग में है, बीजिंग आपको पता होगा चाइना की कैपिटल है। बाई इन्वेस्टिंग इन द सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर प्रोडक्टिव सेक्टर्स टूडे, ये कोशिश करता है कि कनेक्ट करे लोगों से सर्विसेज और मार्केट्स में, ओवर टाइम उसकी लाइव्स को इम्पैक्ट करे और एक बिलियन और लाइव्स ऑफ बिलियंस को इम्पैक्ट करे और एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर बिल्डअप करे। जनरली सबके यही फंक्शन होते हैं, बट ये आपको लिखना आना चाहिए। ये जो लाइनें होती हैं ना, ये इतने से लाइन पता सबको होती है जनरल में कि यही तो सब करते होंगे, लेकिन ये लिखनी आनी चाहिए हमको एग्ज़ाम में, ऐसी चीज़ों को नोट डाउन करके रखा करो। अब इसके हम लोग ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। ऑर्गन्स देखो बिल्कुल आता है, ऑर्गन्स का तो मेन में भी क्वेश्चन आ सकता है पूरा का पूरा कंपोजिशन के बारे में। एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है जिसमें एक गवर्नर होता है और एक ऑल्टरनेट गवर्नर अपॉइंट किया जाता है ईच मेंबर कंट्री। गवर्नर और ऑल्टरनेट गवर्नर जो है वो सर्व करते हैं एट द प्लेजर ऑफ अपॉइंटिंग मेंबर, जब तक आपने अपॉइंट किया हो तब तक वो सर्व करते हैं। फिर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जो कि नॉन रेजिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्शन ऑफ द बैंक के जनरल ऑपरेशन जो होते हैं ना उनको डायरेक्ट करने के लिए। एक्सरसाइज ऑल पावर्स डेलीगेटेड टू इट बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर देता है। इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी होता है इनका बैंक के अंदर।
जो एस्टेब्लिश किया गया था, एक इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल जो सपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को और सीनियर मैनेजमेंट को बैंक की स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज बनाने के लिए। द पैनल मीट्स इन टैंडम विद द बैंक की जो एनुअल मीटिंग होती है, और जब रिक्वायरमेंट होती है, जब प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करते हैं, तभी उसकी इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल की मीटिंग होती है। जो इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल है वो 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? यूनाइटेड नेशन ने एड्रेस किया था कि लॉन्च ऑफ AIIB को की एक पोटेंशियल है टू स्केल अप द फाइनेंशियल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द कंसर्न ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस। इतनी सी लाइन, पहली 2 लाइनें गेम चेंजिंग हो सकती है आपकी इसी मेन आंसर में। कैपिटल जो इस बैंक की है वो 100 बिलियन की है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 2/3 ऑफ द कैपिटल ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखो 100 बिलियन 2/3 है, तो फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक की और हाफ है वर्ल्ड बैंक की, यानी कि वर्ल्ड बैंक की जो कैपिटल है वो कितनी है, अप्रॉक्स $200 बिलियन। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लोकस्ट अटैक, टिड्डा की फौज भी बोलते हैं इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो। एक ये जनरली जुलाई और अक्टूबर में आते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा राजस्थान में इनको थोड़ा जल्दी देखा जा रहा है। ऑलरेडी हम लोग कोविड से फाइट कर रहे हैं, कोविड-19 डिजीज़ का नाम है जो कोरोना वायरस से होती है, और ऐसे टाइम के अंदर एक नई वरी आ गई है कि भाई ये क्रॉप के डिस्ट्रक्शन के लिए आ चुके हैं। हालांकि उसका कुछ खास नुकसान नहीं होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। लोकस्ट होते क्या हैं? एक शॉर्ट हॉर्न ग्रास होपर होता है, मल्टीप्लाई नंबर्स, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में ट्रेवल कर सकते हैं, यानी कि 150 किलोमीटर एक दिन में उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। कीड़ा होता है, क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देता है खाकर। 4 स्पीशीज़ हैं जो इंडिया में फाउंड जो मिलती हैं, ये देखो बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये आ सकता है प्रेम्स के अंदर। डेजर्ट लोकस्ट, लोकस्ट बोलते हैं माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट और ट्री लोकस्ट, 4 तरह के इंडिया में मिलते हैं। डैमेज करते कैसे हैं इसको? डेजर्ट लोकेस्ट जो होता है ना, उसको मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट का नाम दिया गया है इंडिया के अंदर और इंटरनेशनली भी। ये छोटा सा झुंड भी होता है ना, 1 स्क्वायर किलोमीटर को कंज्यूम कर लेता है, जो कि जितना फूड 35,000 पीपल कंज्यूम करेंगे ना, उतना का सारा ये 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर फटाफट ख़त्म कर देता है। ये जो स्वयं है ना, डिवोर लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड बार, ग्रोइंग पॉइंट्स, ऑल्सो डिस्ट्रॉय देयर शेयर वेट एज दे डिसेंड ऑन देम इन मैसिव नंबर्स। इतनी भारी संख्या में ये जब आते हैं, उड़ते हैं, तो पेड़ में कुछ भी होता है, फूल है, पत्ता है, टहनियाँ हैं, उसका बार्क वगैरह सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। और इतने हैवी हो जाते हैं पेड़ के ऊपर, कभी कभी छोटे छोटे प्लांट्स के ऊपर, कि उनका वेट से ही प्लांट टूट जाते हैं। हाउ सीरियसली शुड द फर्स्ट साइटिंग ऑफ लोकस्ट बी व्यूड? कि पहली बार जो उनको देखा गया अप्रैल के अंदर, उससे कितना हमें वरी करने की ज़रूरत है? देखो वरी करने की ऐसी कुछ खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो रबी क्रॉप जो थी, यानी कि जो हमारी सरसों और गेहूं जो थे, वो ऑलरेडी हार्वेस्ट हो चुके हैं और नई प्लानिंग की जा रही है खरीफ के सीज़न की। बिसाइड्स कि दे हैव अ लो डेंसिटी नेम्स ऑन इन 2nd to 4th इंस्टार स्टेजेस और इमेच्योर विंच एडल्ट्स, नो ब्रीडिंग और स्वाब मूवमेंट हैव बीन सीन सो फार। अब ऑब्वियसली बात है कि कोई ब्रीडिंग और मूवमेंट तो अभी तक देखी नहीं गई है, यानी कि जब तक हमारी खरीफ की क्रॉप लगेगी तब तक ही वापस कहीं चले जाएंगे। द टाइमिंग दो इज़ कॉज फॉर कंसर्न, क्योंकि जो नॉर्मल ब्रीडिंग सीजन होता है लोकस्ट का इंडिया में, वो जुलाई से अक्टूबर होता है, बट इस बार इनको देखा गया है मिड अप्रैल में। तो दे कुड नेवरलेस ब्लीड इन हाई इनफ पॉपुलेशन टू फॉर्म द स्वार्म एंड रीकनिंग हैवॉक ड्यूरिंग द रबी सीजन। हैवी अमाउंट में भी ये ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो लोकस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए? अब कंट्रोलिंग द डेजर्ट लोकस स्वार्म्स प्राइमरली जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल यूज़ किए जाते हैं, व्हीकल्स के ऊपर लगा के, एरियल स्प्रे पे लगा के, और हैंड हेल्ड स्प्रेयर्स में भी। नेक्स पैक का मतलब होता है पीछे टांकने वाला जो एक होता है बॉक्स, उसमें वो आपके केमिकल होते हैं, उसको आप स्प्रे करते हो फिर हैंड से, नैपसैक उसको बोलते हैं। एक्सटेंसिव रिसर्च इज़ ऑन गोइंग रिगार्डिंग कि इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे किया जाए, नॉन केमिकल कंट्रोल। करंट फोकस जो है वो पैथोजेंस पे, इंसेक्ट के ग्रोथ रेगुलेटर्स के ऊपर किया जा रहा है। पीपल एंड बर्ड्स ऑफन ईट लोकस्ट, दिस इज़ नॉट इनफ टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द पॉपुलेशन लेवल ओवर लार्ज एरियाज। बर्ड्स खा लेते हैं, लेकिन इतने सारे लार्ज क्वान्टिटी में आते हैं, इनको खा नहीं सकते सबके सबको। आगे हम बात करते हैं टाइगर पॉपुलेशन, जो कि 96 हो गई है इंक्रीज़ करके सुंदरबंस के अंदर। ये एक बहुत ही अच्छा जंप हमें देखने को मिला गया है। 2017-18 में इसका जो काउंट था वो 87 था, 87 से 96 हो गया, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। रॉयल बंगाल टाइगर है, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में मिलता है। इंक्रीज इन द नंबर इज़ द हाईएस्ट एनुअल जंप रिपोर्टेड फ्रॉम द सुंदरबन्स।
इंडीड इट इज़ वेरी गुड न्यूज़। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे इंक्रीज़ करने के लिए मैनग्रूव कवर सुंदरबंस में, ताकि टाइगर का हैबिटेट कंडीशन जो उसको इम्प्रूव किया जाए। सुंदरबन के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये रामसर साइट भी है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा रीजन बनता है, माउथ ऑफ रिवर गंगा, बे ऑफ बंगाल में, जो कि इंडिया और बांग्लादेश में पड़ता है, वहाँ पर ये बहुत सारे आइलैंड्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स हैं, नेटवर्क है रिवर का, ट्रिब्यूटरीज का, इन सब का। सदर्न वेस्ट पार्ट जो इंडिया के अंदर सुंदरबन जो है 60% आता है, उसमें जो उसका जो टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है, 27th रामसर साइट है ये इंडिया के अंदर, इसका एरिया इतना है, और लार्जेस्ट प्रोटेक्टिव वेटलैंड है इंडिया, ये इंडिया का, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। दिस इज़ होम टू होम रॉयल बंगाल टाइगर। अगर हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करते हैं तो इंडिया में टोटल 38 हैं, और जो सबसे रिसेंट जो ऐड हुई थी वो थी जयपुर सिटी। और इंडिया में 30 जो हैं वो नेचुरल हैं, 7 कल्चरल हैं और 1 जो है मिक्स्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ होम टू लार्ज नंबर ऑफ रेयर ग्लोबली थ्रेटन्ड स्पीशीज, जैसे कि रिवर टेरापिन, एंडेंजर्ड इरावडी डॉल्फिन, वल्नरेबल फिशिंग कैट। ये आपको पता होगा, ये डॉल्फिन है, ये कैट है। टेरापिन जो होते हैं ना वो रिवर के वो होते हैं, टर्टल्स होते हैं। आप यू कैन गूगल द इमेजेस, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। उनकी रेड बॉडी होती है और ब्लैक फेस होता है, दिखने में थोड़े डरावने लगते हैं बट हार्मलेस क्रिएचर इट इज। जो वर्ल्ड के चार हॉर्स शू क्रैब स्पीशीज होते हैं एंड 8 ऑफ इंडियाज 12 स्पीशीज ऑफ किंग फिशर, वो भी यहाँ पर मिलते हैं। रिसेंट स्टडीज़ में पता चला था कि इंडियन सुंदरबन जो है उसमें 2626 फॉनल स्पीशीज़ हैं, जो कि 90% कंट्री के मैंग्रोव की वैराइटीज़ हैं। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी डे के बारे में। जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है 2020 का, वो 9 मई को मनाया जाता है, कल जो था। ये इसलिए मनाया जाता है कि ताकि थोड़ी ग्लोबल अवेयरनेस इंक्रीज़ की जाए और जो थ्रेट्स हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स के, उनके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को, उसको इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिले, उनको कंजर्व किया जाए। पहली बार वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो था वो 2006 में सेलिब्रेट किया गया था। इसको ऑर्गेनाइज करता है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, CMS जिसको हम बोलते हैं। ये एक अफ्रीकन यूरेशियन वाटर बर्ड एग्रीमेंट है जिसके ये एनवायरनमेंट फॉर अमेरिकास के साथ मिलकर। इस बार की जो थीम थी वो थी बर्ड्स कनेक्ट आर वर्ल्ड। ओरिजिन के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 26 अक्टूबर 2017 को CMS का COP12 हुआ था मनीला में, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं COP को। वहाँ पर एनवायरनमेंट फॉर द अमेरिका EFTA, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज CMS और एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी बर्ड्स AEWA, इन्होंने अनाउंस किया था कि एक इनोवेटिव पार्टनरशिप हो ताकि अवेयरनेस इंक्रीज हो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स की मूवमेंट है अराउंड द वर्ल्ड। इसके लिए ये जो नई पार्टनरशिप है, ये यूनाइट करती है वर्ल्ड के 2 लार्जेस्ट बर्ड एजुकेशन कैंपेन्स को। कौन से? इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये स्ट्रेंथन करता है हमारी ग्लोबल रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स और एक अर्जेंट नीड को हाईलाइट करता है उनको कंजर्व करने के लिए। 2018 से एक नया जॉइंट कैंपेन अडॉप्ट किया गया था विद अ सिंगल नेम, यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, 2 को मिलाकर 1 कर दिया था। और मेजर इवेंट्स होते वो सेलिब्रेट किए जाते थे साल में 2 बार, 2nd सैटरडे इन मई एंड इन अक्टूबर। CMS के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द माइग्रेटरी स्पीशीज थ्रू आउट देयर रेंज कंट्रीज, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज को यूनाइटेड नेशंस के एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर स्टार्ट किया गया था। बॉर्न कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स और उनके हैबिटेट्स का, और इनको सारे जो कंट्रीज हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। इन सब के लिए एक माइग्रेटरी रेंज सेट करते हैं हम इंटरनेशनली कोऑर्डिनेटेड कंजर्वेशन के अंदर। क्लासिफिकेशन क्या है हमारे स्पीशीज़ की इसके अंदर, इस कन्वेंशन के अंदर जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं उनको अलग अलग अपेंडिक्स वगैरह के अंदर डाला गया है। जैसे एक्सटिंक्शन जो है लिस्ट किए गए अपेंडिक्स 1 में, और पार्टीज स्ट्राइव टुवर्ड्स स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टिंग दीज एनिमल्स, कंजर्विंग और रिस्टोरिंग द प्लेस दे लिव, मिटिगेटिंग देयर ऑब्स्टिकल्स माइग्रेशन, कंट्रोलिंग द अदर फैक्टर्स। जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं दैट नीड आर वर्ल्ड नीड और वुड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल कोऑपरेशन, उनको अपेंडिक्स 2 में डाला गया है कन्वेंशन के। सिग्निफिकेंस क्या है?
CMS जो है एक ओनली ग्लोबली UN की एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्सक्लूसिवली एस्टेब्लिश की गई है फॉर द कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज थ्रू आउट देयर रेंज। इस पूरे से एक प्रीलिम्स के जो मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं ना उसमें से एक पॉइंट यहाँ से उठा सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल उड़ा देंगे या एवियन उड़ा देंगे या फिर कुछ के उल्टा पुल्टा लिख देंगे, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। माइग्रेटरी स्पीशीज़ होती क्या है, उनको प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए। देखो, माइग्रेटरी स्पीशीज़ वो होते हैं, वो एनिमल्स और जो बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक हैबिटेट को चेंज करते हैं डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर्स, फॉर सीजन के लिए, ब्रीडिंग के लिए, फूड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, सनलाइट के लिए हिसाब से टेम्परेचर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंगली। ये मूवमेंट जो होती है ना हैबिटेट्स के बीच, ये एक्सीड करती है थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑफ किलोमीटर्स तक। कुछ बर्ड्स तो ऐसे होते हैं एक्चुअल में थाउजेंड किलोमीटर्स तक फ्लाई करते हैं। तो ये माइग्रेटरी रूट होता है, उसमें नेस्टिंग इन्वॉल्व होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ हैबिटेट्स बिफोर एंड आफ्टर ईच माइग्रेशन नेचुरल प्रोसेस है। इसके डिस्टर्ब होने से डेफिनेटली इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस होती ही है, इसलिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के अंदर दो न्यूज़ है हमारी। रेजिस्टेंस फ्रंट क्या है, ये एक टेररिस्ट ग्रुप है लश्करे तैयबा का, और ये एसोसिएट है बाकी जो टेरर आउटफिट्स हैं हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद उनके साथ भी। कुछ इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज ऑपरेट कर रही थी कश्मीर में, उनको लगा कि TRF वॉज फॉर्म ड्यू टू द प्रेशर ऑन पाकिस्तान फ्रॉम FATF, ताकि इनकी जो फंडिंग है ना टेररिस्ट ग्रुप्स की पाकिस्तान की, वो ये लोग पाकिस्तान वालों ने क्या किया है, देखो इनकी जो टेररिस्ट फंडिंग के कारण, मनी लॉन्ड्रिंग के कारण FATF ने इनको ग्रे लिस्ट में डाला था, चांसेस आर कि दे कुड मूव इनटू ब्लैक लिस्ट। तो इन्होंने एक TRF फॉर्म कर दिया रेजिस्टेंस फ्रंट इंडिया के ही लोगों को अपॉइंट करके। अब इससे क्या है कि दे आर ट्राइंग कि किसी तरीके से लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद का नाम हट जाए और एक नई चीज़ का नाम आ जाए रेजिस्टेंस फ्रंट। ये इंडिया में इन्होंने स्टार्ट करवा दिया है। न्यूज़ में क्यों है रेजिस्टेंस फ्रंट, क्योंकि इन्होंने कहा कि क्लेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो 5 अप्रैल को, ये 5 अप्रैल को नहीं है, 5 मई को है, ये 5 आर्मी पर्सनल वर किल्ड। वंदे भारत मिशन आप लोगों को पता ही होगा, बिगेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज चल रही है टू ब्रिंग बैक द इंडियन सिटीजन्स जो कि दूसरे कंट्रीज में फंसे हुए हैं, और कुछ 14,000 लोगों को लेके आया जा रहा है। इसी की सेम ये एयर इंडिया वगैरह चला रहे हैं, सेम एक और चल रही है जिसका नाम है समुद्र सेतु, वो इंडियन नेवी चला रही है, तो आपको नाम के हिसाब से पता होना चाहिए। एंड दैट इज़ ऑल, थैंक यू।